वेलकम बैक टू माई चैनल। शी मीन चैन मेरा फादर है बट बाय शू मेरी माँ नहीं है। मेरी जो बर्थ मदर है ना वो ऑलरेडी गुजर चुकी है। शी शिया तो जो रीज़न था कि वो इंटीमेट रिलेशनशिप अवॉइड करी थी क्योंकि उसके पास हिस्ट्री की वजह से। तुम्हारा आज के लिए शुक्रिया। मेरे पास अभी भी कुछ मैटर्स हैं जिसका मुझे ध्यान रखना है और कंपनी दूंगा। आई गैस आप सबको कुछ साउंड में तो आ रहा नहीं होगा, आई मीन पटाखों की आवाज़ से। शीशिया तुम्हारे शी फैमिली में जो स्टेटस है उसको छोड़कर तुम अभी भी मिसेस लिया। हाँ क्या तुम बेटर फील कर रही हो? कर रहे हो? मेरा पेट अभी भी दर्द कर रहा है बट ये दया की बात है कि मेरी वाइफ मुझे ज्वाइन नहीं करेगी डिनर के लिए। तुम भी बहुत स्लो हो टेक्स्ट पर रिप्लाई करते हुए। शीशिया मैं तुम्हें दोपहर में देखना चाहता हूँ। ये कौन है? लो शिंगिन, मुझे लेफ्ट बैंक कैफ़े में 2 बजे मिल रहा और मैं ना तुमसे ली जिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। यार ये दिन ख़त्म होगा नहीं होगा। मिस लूँ आपने मुझे यहाँ बताया मेरे हस्बैंड के बारे में बात करने के लिए। ली जिंग को छोड़ दो और ये सब तुम्हारा होगा। मिस लूँ क्या इस कार्ड के अंदर सेवरल थाउजेंड्स या फिर बहुत सारे मिलियंस रुपए हैं? क्या तुम अपना ब्रेन को सेकंड के लिए इस्तेमाल करोगे? जो स्टेटस है मिसेस ली का वो इतने छोटे पैसों से बहुत ज़्यादा है। क्या आपको लग रहा है कि मैं लीजिंग को इस पैसों के लिए दे दूँगी? तो तुम सच में लीजिंग के साथ सिर्फ पैसों के लिए? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम ऐसी बिच होगी। अगर लीजिंग के पास पैसे नहीं होता क्या तुम भी इतनी हिम्मत करती लीजिंग को पसंद करने के लिए? मैं केयर नहीं करती कि जब कितना पैसा लीजिंग तुम पर उड़ाया है बट तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए। शीशिया वहीं रुको, तुम्हें पछताओगे अगर तुम चली गई तो। लो शिंगिन प्लीज़ जान मुझ के मुझसे मुसीबत करना बंद करो ठीक है? हाँ संभल के। मिस शीशिया आपने मिस लू को सीढ़ियों पे से क्यों गिरा? यहाँ किस तरह का डीप सीटेड हार्ट दुश्मनी थी आपकी मिस लू के खिलाफ? आप इतने रथरस कैसे हो सकते हैं? इतने सारे रिपोर्टर्स कैसे आ गए? क्या लक्ष्मी ने जानबूझ के सब करा? मुझे नहीं पता मैंने इसे कैसे ऑफेंड करा, उसने मुझे अचानक से नीचे घेर दिया। शांत हो जाओ, इस समय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें से हॉस्पिटल भेजना। क्या आप गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि आप शर्मिंदा हैं? आपको नहीं लगता कि बहुत लेट हो चुका है किसी को हॉस्पिटल भेजना? आप मैं यहाँ हूँ, ये सब ठीक है। तुम यहाँ कैसे आए? प्रेजेंटली आप सब समय का छोड़कर भी क्यों हैं? क्या आपने कोई अफवाह सुनी? मैं आपके क्वेश्चन देने के लिए मुझे मेरे को कोई वो नहीं है। अगर आप रिपोर्टर हैं तो प्लीज़ प्रेस कार्ड दिखाइए, अगर आप नहीं तो यहाँ से निकलिए, मैं पुलिस को कॉल करूँगा। मिस लू को हॉस्पिटल भेजो। जिंग है मिस शी ने जानबूझ के नहीं करा, मैं ठीक हूँ। वेट, जब तुम गिरी थी तुम्हारा पेट तो किसी चीज़ पर टकराया नहीं, तो यहाँ पर इतना सारा खून क्यों? मुझे नहीं पता, शायद मैं किसी चीज़ से टकरा गई। तो ये क्या है? जिंगयान मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। ये औरत तुम्हें मुझसे चुराना चाहती थी? क्या बकवास है, ये ऑफिशियली शादीशुदा कपल है। ये सच में एक अच्छी एक्ट्रेस है, इसे तो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके ये तो रियल वाइफ को ही फंसा रही है। तुमने भी कहा नहीं कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ? आजकल है क्या हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि मैं लिंचिंग के सामने बार बार ऐसे ही बनती जा रही हूँ। अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो तुम क्या करती? नहीं तो इन्वेस्टिगेट करो शीशिया को मेरे लिए, जितनी डिटेल होगी उतना अच्छा होगा। शीशिया बाय शो में पैदा नहीं हुई है और फिर भी जो उसने मुझसे शादी करी वो शीशिया है। क्यों? जाओ और मेरी वाइफ को ढूँढो, उसे दवाई देनी है। शीशिया तुम एक फूल हो, मैं तुम्हारी मेडिसिन डिलीवर करने के लिए आया था और तुम अपने ऑफिस में नहीं थी। अगर तुम्हारे फेस पे निशान रह गया तो कोई भी तुम्हें नहीं चाहेगा। मैं वैसे भी अपने फेस के ज़रिए जीना नहीं चाहती। अगर कोई भी मुझे नहीं चाहता तो मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकती हूँ। तुम सच में बहुत थॉट हो, किसी को चांस ही नहीं दे रही। क्या किसी ने जब तुम हाई स्कूल में थी किसी ने तुम्हें प्रपोज करा था? नहीं करा था। अगर वहाँ पे कोई होता मुझे उस समय प्रपोज करना, क्या मैं इतनी अनलकी होती जब मैं तुमसे शादी करती? तो तुम सच में एक अनलकी इडियट हो, सिर्फ मैं ही हिम्मत कर रहा हूँ तुमसे शादी करने की।
शेरविन पाव, वह ने फ्लावर्स भेजेगा मुझे मेरे हर बर्थडे पे, मुझे फ्लावर भेज दिया। डॉक्टर शी, क्या बर्थडे रोज पेशेंट ली से? नहीं। क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है उसके लिए सप्लायर से? जैसे मैंने तुमसे बोला था, मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया प्रेजेंट फ्रैंक से, उस सप्लायर। बट क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर फ्रैंक की जो अपॉइंटमेंट है ना, वो 6 बजे की और मेज़ बार में, तुम वहाँ अकेली होगी। मुझे डर है कि वो कुछ बुरा करना चाहता है। ये ठीक है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगी। यहाँ पर इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? काम के लिए सहना पड़ेगा ये। डॉक्टर शी सच में ब्यूटीफुल है जैसा अफवाह कहती हैं। ये सच में मुझे सरप्राइज़ कर दिया। प्रेजेंट फ्रैंक मजाक कर रहे हैं। मैंने अपॉइंटमेंट करी थी प्रेजेंट फ्रैंक के साथ ताकि मैं इस बार जो शेयर पल के रॉ मटेरियल्स हैं ना, उनके ख़रीदने के बारे में बात कर सकूँ। डायरेक्टर शी, आज का पहला दिन है जब हम मिले हैं, तो शुरुआत में ही काम की बात करना, ये क्या कुछ बोरिंग नहीं होगा? एक ही बारे में पी लें। मैं रूड थी, मैंने अपने आप को पनिश कर लिया एक कप ऑफ ड्रिंक के बाद। प्रेजेंट फ्रैंक, क्या आप पहले कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं? डायरेक्टर शी, आप स्मार्ट इंसान है। सेंस तुम यहाँ अपॉइंटमेंट के साथ आई हो अकेले, तो तुम्हें समझ गया होगा इसका क्या मतलब है। अगर प्रेजेंट फ्रैंक का कोई आईडिया नहीं कोऑपरेट करने का, तो मैं जा रही हूँ। मेरे रास्ते से हटो। तुम सच में बहुत अच्छी गुड लुकिंग हो आज, जब तक तुम थोड़ा सा पे करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम है ना, किसी भी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर मैं साइन करने को तैयार। मुझे जाने दो फ्रैंक शीशन, अगर तुमने हिम्मत करी मुझे टच करने की, तो तुम पछताओगे। मैं पछताऊँगा अगर मैंने तुम्हें अभी जाने दिया तो। अगर मैं मर भी जाता हूँ ना एक औरत के स्कर्ट के अंदर, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ले है आपके यहाँ पे कोई है? मेरी मदद करो। यह जायू चैन, शीशा का सीनियर है, टैकोंडो ब्लैक बेल्ट चैम्पियन है, सीक्रेटली शीशा से प्यार करता है। सीनियर जियांग शीशिया तक बीस्ट सीनियर, ये बहुत हो गया, चलो चलते हैं। मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि सीनियर एक टाइकोंडो चैम्पियन है। ये बहुत प्रॉब्लम हो गया अगर वो मर जाते हैं तो। थैंक यू सीनियर, फॉर्चुनेटली मैं तुमसे आज मिल गई। मैंने सुना था कि तुमने शादी कर ली है, तो यहाँ अचानक से कैसे आई? क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा? मुझे कभी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए सीनियर? तुम हमेशा से ही ऐसी थी, एक्ट कर दी कि तुम ब्रेव हो और लोगों को डराती हो कि वो तुम्हारे पास ना है। सीनियर, मुझे सच में आपकी मदद के लिए आपको थैंक्स करना होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको डेफिनेटली ट्रीट कर दूँगी। आज बहुत एम्बैरस हूँ मैं सीनियर को, नेक्स्ट टाइम मैं ट्रीट दूँगी। सीनियर, ये मेरा नेम कार्ड है, मेरे पास अभी भी कुछ काम है करने के लिए, तो मैं पहले जा रही हूँ। शिवरन पॉल डायरेक्टर शीशिया, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूँगा। एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरा बर्थडे इतना पैथेटिक होगा। वेलकम, अब ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। डायरेक्टर फाइनली वापस आ गए, मैं बहुत चिंता कर रही थी और जब आपका फ़ोन लग ही नहीं रहा। क्या आप ठीक है? कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं तुम्हें ठीक नहीं लग रही? डॉक्टर शी हैप्पी बर्थडे, मैंने ये सीखा था कि लकी ब्रेसलेट को कैसे बनाते हैं ताकि आपको गुड लक देख सकूँ। थैंक्स मोमो, मेरा बर्थडे सच में बैड लक के साथ भरा हुआ है। यहाँ पे अभी भी 2 घंटे बचे हैं और जो डे है ना वो फाइनली ओवर हो जाएगा, यानी कि 10 बज गए हैं। पे जी हैं, ये मुझे इस समय क्यों कॉल कर रहा है? शीशिया, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? मैं कंपनी में हूँ, घर आने के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे इंतज़ार करूँगा। क्या वो कार नीचे वो लीजिएंग की तो नहीं? शेरों पर हाँ, क्या तुम मुझे घर पिक करने के लिए आए हो? हैप्पी बर्थडे शीशिया। लिंग जियांग, तुम्हें कैसे पता लगा कि आज मेरा बर्थडे है? मुझे सिर्फ पता था, यहाँ पे अभी भी 2 घंटे बचे हैं, मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँगा। तो लिटिल बर्थडे गर्ल, प्लीज़ कार के अंदर आ जाइए। ओ तेरी की, थैंक यू लिंग जियांग। एक्सक्यूटिव शी, फेंग शियान अरेस्ट कर लिया गया उसे पुलिस ने। कोई कह रहा था कि लास्ट नाइट उसकी कंपनी को ना अनक्वालिफाइड मटेरियल्स मिले थे और उन्होंने क्वालिटी इंस्पेक्शन पास नहीं करी, वो डिज़र्व करता है।
तो चलो दूसरे मटेरियल प्रोवाइडर को कांटेक्ट करते हैं। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सक्यूटिव शी यहाँ पे जापनीज मटेरियल है जो प्रोवाइड कर रही है हमारे एसजी कंटेनिंग को मेरे साथ ही सवेरे सवेरे। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो बाद में साइन करा गया जब उनके हेड कोर्ट है ना रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ भेजेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रेडी है, ये सही नहीं लग रहा मुझे। होप करते कि हमारी अच्छी कॉपरेशन होगी। एक और क्वेश्चन, हमें क्यों जो शी रन पर है ना वो फर्स्ट क्लास कॉस्मेटिकल कंपनी है चाइना में, ये हमारा होनर है कि हम आपके साथ काम करेंगे। जब एसजी हमारे साथ कॉपरेट करेगी तो एक्सक्लूसिव जो प्राइस और क्वालिटी होगा ना उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शीशिया और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कॉकटेल पार्टी अटेंड करो, ले आता हूँ तुम्हें राइड दे देगा 7 बजे। ओके, ये सेलिब्रेशन का डे है मेरे पास, आ जाओ पार्टी है, मैं हमें लंच का ध्यान रख लूँगी, चलो शॉपिंग चलते हैं। ओ ये शीशे इतनी ब्यूटीफुल है आजत, मैं पछता रहा हूँ कि मैं उसे यहाँ लेकर आया। जो मेकअप है और कॉस्ट्यूम है वो मोमो ने सेलेक्ट करा था, इस वक्त वो काम कर रहा है। तुम आज वंडरफुल लग रही हो। क्या है लिंग जाएंगे जिससे शीशे ने शादी करी है? डैम, मेरे पीरियड के दौरान मुझे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। शीशे के तुम ठीक हो? तुम भी यहाँ हो सीनियर? और शीशिया ये मेरा सीनियर है कॉलेज में, जियांग चेंगयू। शीशिया तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ अभी आराम की ज़रूरत है। क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है? ये ठीक है, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए कप ऑफ वाटर ला सकते हो? शैनजिया वो जो स्टार है वो यहाँ आ चुका है, मैं बिलीव नहीं करी मेरी आँखों पर, ये तो लिन जियांग का पहला प्यार है। लिन जियांग आराम का प्लीज, आप अगर ये शैनजिया है उसका पहला प्यार जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है उसके लिए। जी हैं, तुम बहुत अनकम्फर्टेबल लग रही हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेजता हूँ। थैंक यू। जो डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें केयरफुल होना चाहिए और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल को जब तुम अपने पीरियड में हो। मैं जानती हूँ ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है मेरी, मुझे याद आया था कि मैं अल्कोहल पी नहीं सकती जब मैंने उसे पी लिया था। मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ रेस्ट करने के लिए। पीपल्स हॉस्पिटल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, शीशिया फीमेल सेक्स एक्टिव। सीनियर आज का चेकअप कितना का था मैं आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तुम सच में किसी का फेवर नहीं लेना चाहती ना? आपके लिए शुक्रिया। अरे यार सीनियर, अब हम स्कूल में नहीं हैं तो तुम मुझे सिर्फ चैंग और या फिर यू चैंग बता सकती हो? ओके यू चैंग। शीशिया आज लिन जियांग बहुत ज़्यादा नहीं करा उसने तुम्हें पीछे अकेले छोड़कर, जिस इंसान को वो पसंद करता है वो वापस आ गया है, मैं समझ सकती हूँ उसका ये रिएक्शन क्यों था। शीशिया क्या तुमने कभी डिवोर्स के बारे में सोचा है? डिवोर्स चाहे स्टार्ट हो या फिर अंत, जो आउटकम है ना इस पूरी मैरिज का वो मेरे ही हाथों में। यू चैंग मैं ये टॉपिक डिस्कस नहीं करना चाहती, तुम्हारा शुक्रिया मुझे घर छोड़ने के लिए। शीशिया तुम ये अच्छे से जानती हो मैंने हमेशा से ही तुम्हें पसंद करा और ये कभी भी बदलेगा नहीं। जैसा मैंने एक्सेप्ट करा था वो प्रॉपरली यहाँ नहीं आया घर आज, वो प्रॉपरली अभी शेंजिया के साथ होगा। तुम घर पे क्यों हो और तुमने लाइट की चालू नहीं करी? तुम आज रात कहाँ गई थी? मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था तो जियांग युचांग ने मुझे हॉस्पिटल भेजा। ये एक्चुअली उसका पहला प्यार को छोड़कर घर पर आया मुझे इंट्रोगेट करने के लिए कि मैं आज रात क्या कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ, क्या तुम बेटर फील कर रही हो? रिंग शेंजिया। जी जिया चिंता मत करो मैं अभी वहाँ आता हूँ। हाँ हाँ शेंजिया वापस आ चुकी है, मुझे प्रॉपरली मेरी पोजिशन को छोड़ देना चाहिए, शायद डिवोर्स ही हमारे लिए बेस्ट है। मॉर्निंग, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, जब तुम इसे खा लो मैं तुम्हें काम पे छोड़ दूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूँगी जब मैं खाना खा लूँगी उसके बाद। मैं तुम्हारा और टाइम नहीं लेना चाहती, लास्ट नाइट मैं तुम्हें कॉन्ग्रेस करना भूल गई। लिन जियांग तुम्हारा पहला प्यार आ चुका है, मैंने खाना फिनिश कर दिया, तुम्हारा शुक्रिया ब्रेकफास्ट के लिए। इतनी शांत कैसे हो सकती है, कैसे एक्सेप्ट कर सकती है कि शैनजिया वापस आ चुकी है? क्या ये मेरे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती? अफकोर्स जिस तरह से तू अपना एटीट्यूड दिखा रहे ना, ये क्या कोई भी तेरे बारे में केयर नहीं करेगा? क्या तुम सच में केयर नहीं करती कि शैनजिया वापस आ चुकी है? यह तुम्हारे पास हक है कि तुम
जिसे प्यार करते हो उसे प्रपोज करो जैसे मेरे पास है। जियांग यू चेंग, तुम यहाँ क्यों हो? मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था और सोचा कि मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे जूनियर मुझे मेरे को होनर देगी उसके प्रेजेंस के साथ, तो फिर मुझे आपको थैंक यू करना होगा। वेल, क्योंकि मैं अपनी कार कंपनी में छोड़ आई हूँ, तो ये वो रीज़न है कि तुम मुझे तुम्हें काम पर छोड़ने नहीं दोगी। क्या इसका मतलब है? जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास खुद का प्यार है। मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा किसी तरह का सीक्रेट रॉबिश रोमांस। मुझे ये सब का ख़त्म करना होगा। वो यूँ तुम मुझे इस समय क्यों कॉल कर रही हो? क्या कुछ हुआ है शीशिया? मैं एक पास्टर से मिली हूँ। एक पास्टर? तुम कहाँ हो? मैं अभी वहाँ आती हूँ। मैं लीनियन हॉस्पिटल में हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। लीनियन हॉस्पिटल? क्या तुम ठीक हो? वो पास्टर कहाँ है? ये वही है वो इंसान, उसको कॉल था और उसे इंजेक्शन चाहिए था, और उसने कहा कि वो इंजेक्शन से ना उसे डिजीनेस हो रही है और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी बट उसे भागने की। और फिर मेरी अनलकी बेस्टी एक पेशेंट को इंजेक्शन लेने के लिए कैसे फोर्स कर सकती? और फिर उसने कहा कि वो मेरी रिपोर्ट करेगा। ये इतना ईजी नहीं था मेरे को इंटर्नशिप लेना। मुझे इतना डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को मेरे फर्स्ट डे ऑफ ऑफिशियल काम में क्यों मिलना था? मैं समझ रही, मैं तुम्हारी मदद करूँगी इससे बात करने के लिए, बट मुझे नहीं पता ये काम करेगा नहीं करेगा। हेलो सर। ये तुम मशीशिया? क्या तुम मुझे जानते हो? ये मैं हूँ लिन जिंगयांग। मैं ग्रेजुएट हुआ था सेम स्कूल तुम्हारे जैसे। लिन जियांग? इसका नाम लिन जियांग की तरह एक जैसा सब नहीं है? तुमने इंटरव्यू लिया था मेरा जब मैंने स्टूडेंट यूनियन मेरे फ्रेशमैन ईयर में ज्वाइन करा था। क्या मैं इतना फॉरगेटेबल हूँ? 40%? 100% ट्रांसफ़र सक्सेस। मुझे अब याद है तुम ना मोस्ट हैंडसम जूनियर थे आर्ट कॉलेज में, और मैं गुड फ्रेंड थी डॉक्टर निंग व्यंग। मैं ना अच्छी फ्रेंड हूँ डॉक्टर निंग व्यंग के साथ। क्या प्लीज़ आप उसे माफ़ करेंगे हम आपके सीनियर के लिए? सीनियर? तुम मेरी गॉडेस हो। ऑफ कोर्स मैं आपकी फ्रेंड के लिए चीज़ें डिफिकल्ट नहीं करूँगा। ये लिन जिंगयांग है, सेकंड सन ली फैमिली का एक पॉपुलर नेशनल आयरी है, हैंडसम और शफुल। इसका हमेशा से सीक्रेटली क्रश था सीनियर शीशिया पे। यार इतने अच्छे जो गुड ऑप्शन थे उस कमीने के पास ही क्यों जाना था? ऐसा है क्या? मुझे ऐसा क्यों फील लग रहा है कि मुझे रोमांटिक एंटरटेनमेंट में पकड़ लिया गया है? तुम तो इतनी जल्दी चेंज हो गए। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे को रिपोर्ट दोगे? अगर ये मेरी गॉडेस तुम्हारी बेस्टी नहीं होती ना, तो मैं तुम्हारे बारे में केयर भी नहीं करता। तुम जो जो गलत फहमी ना क्लियर हो चुकी है। सब लोग शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ तुम इसे सॉल्व कर सकती हो। आओ और मेरे साथ लंच करो। हस्बैंड फ़ोन कर रहे हैं। आज नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट है दोपहर में, तो चलो अगली बार फिर मिलते हैं। वेट कोस्टर, इसके मैं क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। ओके, तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना? ओके, मैं घर बाद में आऊँगा। सीनियर अब ना पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं हो चुकी हैं। शीशिया सीनियर तो मेरे फर्स्ट लव हो। शीरन चलो चलते हैं, तुम आज खुश लग रही हो। मैं आज किसी इंटरेस्टिंग इंसान से मिली। ओ, मेल है या फीमेल? मेल। देन ये तो इंटरेस्टिंग भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई भी सर इतनी अफेक्शनेट होने की, मुझे लगता है यहाँ है। शीशिया जिंग है, तुम यहाँ आ गए। मैम कितना अच्छा दिन है, सब लोग घर पर हैं। लिन जिंग है जल्दी से बाहर हो, तुम्हारा भाई और तुम्हारे सिस्टर इन लॉ यहाँ पर हैं। जिंग है ये तुम्हारे सिस्टर इन लॉ है शीशिया। ये क्या है गॉडेस, तुम शादीशुदा हो? ये तो तुम एक दूसरे को जानते हो? ऑफकोर्स मैं प्रॉपरली जानता हूँ कि सिस्टर इन लॉ को मेरे भाई से पहले हैं। मुझे अमेरिका जाना क्यों था? मेरी गॉडेस अब शादीशुदा है। मॉम मैं इसकी सीनियर हूँ। ये वो सीनियर थी जिसकी मैं हमेशा बातें करता था। क्या ये इतने ड्रामेटिक है? तो जो इंसान है जो जिंगयांग पसंद करता था पूरे समय, वो उसकी सिस्टर इन लॉ है? सीनियर शीशिया आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं? मुझे फील लग रहा है कि हमें सीनियर्स एक दूसरे को बुलाना ना स्ट्रेंजर की तरह फील लग रहा है। अब हम फैमिली आफ्टर, मैं तुम्हें शीशिया बोलूँगा। हम फैमिली हैं, तुम जैसे चाहे मुझे वैसे बुला सकते हो। मैं करंटली शेरों पर में काम कर रही हूँ। रियली तो हम सच में डेस्टिनेटेड हैं। मैंने अभी एक एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट शीरन पल के साथ एक्सेप्ट करा है। ये सच है कि तुम्हारा लुक और जो टेम्परमेंट है ना वो मैच करते हैं न्यू प्रोडक्ट का जो हम प्रमोट करें। इस समय जो प्रमोशन है वो डेफिनेटली इफेक्टिव होगा। एक आदमी स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए एंडोर्स कर रहा है, तुम बहुत ओल्ड फैशन हो। ठीक है, आजकल के जो प्रोडक्ट है ना वो औरतों और सारे इंडोर जैसे नेशनल आइडल्स में ही तरह को टारगेट करते हैं। ओके शीशिया, जो नेक्स्ट वीक है ना मैं वापस जा रहा हूँ स्कूल एक कॉन्सर्ट के लिए। क्या तुम
मेरे साथ आना चाहते हो कुछ फ़न के लिए? ओके, खाना खाने का समय। मॉम, मैं आपकी मदद करती हूँ। तुम नहीं खा रहे? मेरा पेट भर चुका है। इन दोनों ने इतनी हंसी हंसी बातें करी हंस हंस के और मुझे इग्नोर कर दिया। मैं इतना इरिटेट हो चुका हूँ कि मेरा पेट भर चुका है। जिंगन के पेट की प्रॉब्लम है, वो कैसे डिनर स्किप कर सकता है? शीशिया, मैंने कुछ चिकन स्कूप बनाया, क्या तुम उसे लेकर चल जाओगी? मॉम, चिंता मत करो, मैं उसे देखूँगी उस बॉल को सूप को फिनिश करते हुए। नहीं जिंगन, ये मैं हूँ, अंदर आओ। कुछ भी नहीं खाओगे तो तुम्हारे पेट के लिए बुरा होगा। मॉम ने चिकन सूप बनाया, तुम्हें कुछ पी लेना चाहिए। इसे टेबल पर रख दो, तो फिर मैं बाहर जा रही हूँ। वेट शीशिया, तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो? वो मेरा जूनियर था। क्या इतना सरप्राइजिंग है कि हम कैंपस में मिले थे? मुझे मत बताना कि शीशिया जानते नहीं है कि लिंजिंग उसे पसंद करता है। ये सरप्राइजिंग नहीं है। तो क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन थी जिसने उसे अम्ब्रेला दिया था पहले? अम्ब्रेला? क्या पेल येलो अम्ब्रेला है? वो लेमन थे उसमें। हाँ, मैंने उसे दिया था उस दिन। मैंने देखा था कि वो बारिश में भीग रहा था, तो मैंने उसे मेरा अम्ब्रेला दे दिया। क्या तुम हमेशा ही दूसरे आदमियों को ऐसी काइंडनेस दिखाती हो? पहले ही वो सीनियर था और अब ये जूनियर शीशिया है। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें उन आदमियों से ना अपना दूरी बनाए रखनी होगी। इस चिकन सूप को लेकर चल जाओ, मैं नहीं पी रहा। तुम क्या कर रही हो? वो चिकन सूप भी मेरे लिए था। सिंस तुम इसे नहीं पी रहे थे तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं जा रही हूँ और कहूँगी कि तुमने सूप पी लिया ताकि मॉम चिंता ना करें। किसने कहा था कि तुम मेरा चिकन सूप पी सकती हो? ये मुझे वापस दो। हाँ यार, कैसा है ये मेरे लीड? क्या तुम तो ये भी नहीं जानती किस कैसे करते हैं? अपने काम से काम रखो, मुझे ब्लेम मत करो। मॉम ने वो चिकन सूप मेरे लिए बनाया था और मुझे एटलीस्ट उसे टेस्ट करना था। क्या तुम ऐसा नहीं करोगी? क्या घटिया एक्सक्यूजेस है ये औरत। ये सच में और अट्रैक्टिव बनती जा रही है। लेकिन वो बास्टर्ड, वो हमेशा मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। शीशिया, तुम वहाँ सिर्फ खड़ी क्यों? हाँ शीशिया, शीशिया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेजता हूँ। मैं भेज दूँगा। दो बेटे, दोनों के दोनों ही हमेशा मुझे मुसीबत में डालते रहते हैं। हेलो अमर, मैं लीनान हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। क्या हुआ? वेल, मैंने सीढ़ी मिस कर दी और सीढ़ियों से गिर गई। ओ भगवान के लिए, तुम्हारी एंकल है ना पूरी तरह से सूज गई है। थोड़ी देर के सो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इसे डिस्लोड फोन करने के लिए। प्लीज़ शीशिया को सपोर्ट करो और उसे हिलने मत देना। डरो मत निवोयन, हो गया, तुम अब चिल्लाना बंद कर सकती हो। तुम डैम गर्ल, तुमने ये करने से पहले कुछ कहा क्यों नहीं? ये मेरी गलती है, मैं गलत था। क्या तुम्हारा हस्बैंड है? लीजिंग प्रेजेंट नहीं, मैं आपसे बहुत टाइम से मिलने के लिए सोच रही थी। मैं शीशिया की डेथ, जब तक हमें मौत अलग नहीं कर सकती, बेस्ट फ्रेंड हूँ। निंग वुयन मॉम, जिंग है शीशिया, आप कैसे कर रही है? क्या वो इंजरी सीरियस है? ये ज़्यादा बुरा नहीं है, मैं उसे घर लेकर आ जाऊँगा रिकवरेट के लिए। तुम जानते नहीं हो अपना कैसे ध्यान रखें, तुम जानते नहीं हो किसी का कैसे ध्यान रखें। तो शीशिया को ना ओल्ड घर लेकर आ जाओ और मैं उसका ध्यान रख लूँगी। मैं उसका ध्यान रख लूँगा। ओके देन, बी श्योर कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखो। शीशिया कैसे कर रही है? भाई उसे यहाँ वापस क्यों नहीं लेकर आ रहा? यू लिटिल ब्रैट, मुझे अपनी माँ को ऑनेस्टली बताओ, वो इंसान जिसे तुम कॉलेज में प्यार करते थे, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है ना? ये सही है, शीशिया मेरा फर्स्ट लव है। बट शीशिया, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम्हारे भाई की वाइफ, तुम्हें समझ रहे हो ना मेरा क्या मतलब है? मॉम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि सिर्फ ये दया की बात है कि मेरा फर्स्ट लव अब शादीशुदा है। ये फिर अच्छा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा कि तुम्हारा भाई उसका अच्छे से ध्यान रख लेगा। मैं उसके लिए कुछ बॉल सूप बनाती हूँ, तो फिर मैं आपका डिलीवरी बॉय बनूँगा और ये शीशिया को भेज दूँगा। इतना मोटा सूज गया, अगर मैंने इसे जरा सा भी रब करा रहे तो बहुत पेनफुल फील होगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए रब कर देता हूँ। वह देखते हुए कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं से करने की, खुद ही कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगी। शीशिया, तुम्हारा चेहरा है ना लाल पड़ चुका है, ये रेड नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम इसे जल्दी से रब करोगे ना, कर रहे हो तो जल्दी से करो, मैं थक चुकी हूँ। शीशिया तुम बहुत यूजलेस हो, ये सिर्फ पैर को रब ही तो करना था, तुम्हारा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? 15 मिनट अप हो चुके हैं, टाइम है मुझे पे करने का। मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, तुमने खुद ही करा है। बट तुमने इसे रिजेक्ट भी तो नहीं करा था? मैं जाकर शावर ले रहा हूँ, पहले भागना मत, मैं ऑलरेडी ऐसे हूँ, मैं कैसे? तुम क्या सोच रही हो? इस समय कौन हो सकता है? सिस्टर इन लॉ, गुड इवनिंग,
जिनचैन तुम्हें इतने लेट क्यों आया? ये लो, मॉम ने ना बोन सूप बनाया था आपके लिए, कह रहे थे कि ये आपको मदद करेगा। मैं कॉफ़ी टेबल पर रख देता हूँ, मेरा फ़ोन बज रहा है, आप आराम से सूप पीजिए, मैं आपके लिए उठा लेता हूँ। उस रूम में थैंक यू, तुम यहाँ क्यों? मैं मॉम की कमांड पे आया था डूब मेरे सिस्टर लोग को सूप डिलीवर करने के लिए। क्या मैं वेलकम नहीं हूँ? अच्छा है कि तुम यहाँ, कि तुम अवेयर हो। वेल, सिंस भाई मुझे स्वागत नहीं कर रहा तो फिर मैं पहले जा रहा हूँ। शीशिया में सूप है ना, प्यार के साथ तुम्हारे लिए कल फिर से डिलीवर करूँगा। ऐसा लगता है शीशिया और मेरे भाई अभी भी अलग अलग रूम में सो रहे हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम थक चुके हो और तुमने अभी सूप भी पी लिया? ये समय है कि तुम अब रेस्ट करो। अब मैं नहाने जा रही हूँ, क्या तुम फिर भी जाओगे? तुम ऐसे शावर कैसे लोगे? मुझे तुम्हारी मदद करने दो। नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। शीशे क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो, दर्द हो रहा है। मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एनीवे, कहाँ दर्द हो रहा है? तुम्हारा पैर ऐसे लगता है कि मैं गिर गई। तुमने अपना हाथ पत्थर ने छोड़ लिया ना, लेन हॉस्पिटल। तुमने ये कह देना चाहिए था ना, मैंने कभी भी एक इंसान को हॉस्पिटल एक ही दिन में दो बार विजिट करते नहीं देखा और उसके दोनों ही हाथ पैर इंजर्ड हैं सेम समय पे। प्रेसिडेंट ने कहा इस तरह से आप मेरे शिष्या का ध्यान रखते हैं। मैंने कहा था कि मैं उसको बनाने में मदद करूँगा बट उसने मना कर दिया। डॉक्टर निंग, कितना समय लेगा इसको ठीक होने के लिए? एटलीस्ट 100 दिन। तुमने कहा था कि शीशा और तुम्हारा भाई एक सेम रूम में नहीं रहते, तुम श्योर हो? मैं प्रिटी श्योर हूँ कि शीशा का रूम है ना, उसमें कुछ भी भाई का नहीं है और भाई ना दूसरे अपोजिट रूम में रहता है। अगर वो एक ही रूम में रहते तो भाई दूसरे रूम में बाथरूम में क्यों जाता? जो दोनों के दोनों ठीक थे पहले, शायद जो बाथरूम है ना वो टूट चुका है। मॉम, मुझे लगता है कि भाई और शीशा है ना, वो शायद हम सबको आपको पागल बनाने के लिए कुछ ट्रिक खेल रहे हैं। वो हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल भी नहीं है। बकवास, कैसे जिसके पास सर्टिफिकेट है वो फेक कैसे हो सकता है? तुमने कहा क्या शीशा का हाथ टूट चुका है? तुम लोगों का कैसे ध्यान रखते हो? जल्दी से शीशा को यहाँ लेकर आओ। ये उससे कैसे चोट लग गई? क्या भाई ने उसका ध्यान नहीं रखा? वो दोनों ट्रबल मेकर्स, किसी को पता मत लगने देना कि वो अलग अलग रहते हैं, समझ गए? और अपना जो डिस्टेंस है ना उनसे रखना। ऑल राइट, मैं समझ गया थॉट उनकी, जो मेरी जब वो फेक है, बट मॉम मुझे शीशा के साथ होने नहीं देगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यान, मैं चाहती हूँ कि तुम, या शंजा बैल नो एक्ट्रेस है और फर्स्ट लेवल इंजीनियरिंग का, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ? तुम्हारा चाइल्ड है ना तुम्हारे पेट में, वो तुम्हारे उस हस्बैंड गुड फॉर नथिंग हस्बैंड का है, तुम ये ऑलरेडी जानती हो, जानते हो? ऑफकोर्स यार, मुझ पर भरोसा करो, मैं लुइस से शादी नहीं करना चाहती। ये हमेशा से ही तुम थे जिससे मैंने प्यार करा। वो नहीं जानता कि फादर कैसे बने। आफ्टर तो तुम डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हो, और बच्चे के बारे में क्या? यार तुम हमेशा से ही मेरी मदद करते हो, चाहे कुछ भी हो तुम अभी भी मेरे बारे में केयर करते हो, राइट? जी हाँ, वापस जाओ और कुछ आराम करो। क्या हो गया? ये बेबी है, कमीनी है ये भी। लीजिंग यान, शैलिन तुम क्या फ़ोटो खींच रही हो? कुछ भी नहीं, मेरे एक्स को उसके न्यू लवर के साथ ढूंढना है। तो तुम उसे अभी भी ख़त्म कर सकते हो? क्या वो गुस्सा नहीं होगी देखने से? पिक्चर ले रही हूँ ऑफकोर्स, ये अपने आप को रखने के लिए तो नहीं ले रही मैं उसके उसकी वाइफ की तरफ भेज रही हूँ। वो औरत सोच रही है कि वो जीत चुके हैं, बट लिंचिंग यान हमेशा ही दूसरी औरतों को ढूंढ लेगा। लिंचियांग, शीशा को हॉस्पिटल कैसे लेकर जा रहे हैं? शीशिया क्या तुम ठीक हो? कुछ भी नहीं, सिर्फ जंक मैसेज है। क्या तुमसे आज मेंशन नहीं कर रहा था कि यहाँ पे कॉन्सर्ट है? क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? और जो वेदर है ना आजकल बहुत बुरा है, मैंने ऑलरेडी उन्हें पोस्टपोन करने के लिए बोल दिया है। हम तुम्हारी रिकवरी के बाद जाएंगे। मेरे पैर और हाथ है ना, वो एटलीस्ट 2 महीनों तक ठीक नहीं हो पाएंगे। क्या मैं 2 महीनों का इंतज़ार करूँ तुम्हारे लिए? तुम ऐसे ख्यालों में क्यों खोई पड़ी हो? कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ आज यहाँ पे कुछ भी नहीं करने के लिए। लिंग जियांग अच्छा मूड है उसका आज, ये क्या शीजा की वजह से है? जिंग यांग यहाँ हो थोड़े समय के लिए मेरे को कुछ है तुम्हें बताने के लिए। मॉम आप क्या कहना चाहती हो? जिंग यांग तुम्हारे और शीशा के बीच में क्या हुआ है? मैं और वो हम ठीक हैं,
जिंग यान तुम्हारे घर गया था उस दिन, उसने देखा था कि तुम और शीशे अलग अलग सो रहे हैं। सच सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना। यहाँ पे एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये है कि हम दोनों ही हमेशा ओवर टाइम काम करते हैं और डर है कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए हम अलग अलग रूम में सोते हैं। जिंग यान, चाहे ये रियल हो या फेक हो, शीशे अच्छी लड़की, आई होप कि तुम उसे अच्छे से चेरिश करोगे, उस प्रेजेंट उसको, अगर ये तुम ही होगे जो तुम उसे मिस करोगे। अगर यहाँ पे कोई है जिसे तुम मिस कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है उसे वापस लेने का। मैं समझ गया, मॉम ने तुमसे क्या बातें करी। प्रेजेंट को संभाल के रखूँ, प्रेजेंट को संभाल के रखूँ। लिन जिंग यान, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मुझे नहीं पता, कोई भी फ्यूचर के बारे में नहीं जानता। क्या तुमने छोड़ने की सोची है? नहीं, अगर वो जो ये जो प्लान को प्लान करा जाए बिल्कुल परफेक्टली, यहाँ पे कुछ भी डेफिनेटली कुछ कोई होता है जो प्लान को ख़राब कर दे। वो कौन है जो तुम्हारे प्लान को ख़राब कर रहा है? मैं कह रही हूँ कि वो जो इंसान है ना, वो तुम हो। क्या तुम बिलीव कर रहे हो? अगर ये तुम कह रही हो तो मैं करूँगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ समय ही मुझे जवाब देगा। हेलो एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक या कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।